दो फाइल हैं हमारे पास, एक फाइल ये है और एक फाइल है ये। हमने क्या करना है कि ये कोड जो इस फाइल में इस नाम के साथ मौजूद है, हमें इस यहाँ पर चाहिए कोड, यही ऐसा ही है। हमें सबसे पहले ये करना है कि vlookup का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो चीज़ हमें लेकर जानी है, मतलब वो एक तो सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ देखनी होगी, कॉमन चीज़ हमारा अकाउंट नेम है, सही है। सेकंड चीज़ जो कोड हमें चाहिए ये इसके आगे होना चाहिए, इसके आगे वाले कॉलम में होना चाहिए, इसके पीछे नहीं होगा, हो सकता अगर बैक पे होगा तो फिर वो उसे पिक नहीं करेगा, ठीक है। ये MB वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 27 MB व्हाट्सएप पर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे vlookup, जो हमें लुकअप वैल्यू है, हमें ये वैल्यू लुकअप करनी है। इसके बाद हम कॉमा, इसके बाद हम उस शीट पे जाएंगे जिस शीट से पे हमने देखना है। यहाँ पे हम इसे टेबल एरे देंगे, टेबल एरे ये दो कॉलम का हमारा टेबल एरे है, सही है, टेबल एरे देंगे। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स ये हमसे पूछता है कि किस कॉलम से इसे रिजल्ट उठाना है। हाँ भाई, ये दो कॉलम है बी और सी, हमें सी से चाहिए, सी जो है सेकेंड कॉलम है, फिर हमने टू लिख दिया, सही है। फिर कॉमा और फिर सी तो थर्ड कॉलम है, फॉल्स, वो तो बी जो हमने उसको टेबल एरे दिया ना सर, उसमें सेकंड कॉलम है 0 1 2। हाँ, हमने उसे बी से स्टार्ट किया एक्चुअली, फिर हम क्लोज कर देंगे। अगर हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट चाहिए तो ट्रू लिखेंगे, और एग्जैक्ट चाहिए तो फॉल्स, और फिर एंटर। यहाँ पे इसने हमारे पर लेकर आ गया, जिसे हम कॉपी करके ड्रैग कर सकते हैं ईजीली, सही है। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू।